इस यूनिट के बारे में आपको बताऊं, इसकी जितनी भी वायरिंग्स है यूनिट की, ये यहाँ से आउटपुट दी गई है और कुछ एक इनपुट्स यहाँ पे दी गई हैं। इतना मोटा बैटरी बैंक इसके नीचे लगा होता है, यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है और ये नीचे देखें आप इसको, वो एंड तक जा रहा है। एसी इनपुट आपको क्लियरली दिख रहा होगा, एसी इनपुट मतलब हम जब घर पे चार्ज करते हैं अपने एसी 220 वोल्ट्स जो आती हैं चार्जर से, वो यहाँ पे जाती हैं। ये दो वायर्स हैं नीचे से जो आ रही हैं आप कंट्रोलर यूनिट से, ये देखें यहाँ से आके ये वायर यहाँ आती है और ये चार्जिंग यूनिट है हमारे जहाँ से हम चार्जर लगाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, होप आप अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में आपको मैं ये चीज़ दिखाऊंगा कि जो टाटा नेक्सॉन ईवी है, इसमें इंजन की बजाय कौन कौन से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट्स लगे होते हैं जो शायद आम एंड यूज़र को अभी पता भी नहीं होंगे। तो आप ये देखें गाड़ी में, सबसे पहले मैं आपको, ये मेन कंट्रोल यूनिट है, ये इंजन के जैसे काम करेगा, मेन सीपीयू यूनिट है गाड़ी का। ये इसमें पीडीयू, डीसी चार्जर प्लस ओबीसी, ये तीन फंक्शंस होते हैं। सीमेंस कंपनी का ये यूनिट होता है जो इसमें गाड़ी में लगा होता है। और इस यूनिट के बारे में आपको बताऊं, इसकी जितनी भी वायरिंग्स है यूनिट की, ये यहाँ से आउटपुट दी गई है और कुछ एक इनपुट्स यहाँ पे दी गई हैं। तो आपको एक एक करके मैं सारी वायरिंग बताने जा रहा हूँ। ये सबसे पहले बार आपको ये दिख रही है फर्स्ट वाली, ये अर्थिंग की है, ये बॉडी के साथ अर्थ की हुई है। और ये वायरिंग्स हैं जो आपको छोटी छोटी दिख रही हैं, जितनी गाड़ी के आगे ऑक्सिलरी वायरिंग होती है, जैसे इंडिकेटर्स की वायर, ये आप देख सकते हैं, गाड़ी के हेडलाइट की वायर है, और इसी में से आपका ये जो फैन चलता है गाड़ी का, रेडिएटर का फैन चलेगा, और इसी से ये मोटर्स और इसकी मोटर्स जो वाइपर की मोटर्स होती हैं, ये सारी वायरिंग्स यहाँ से आउटपुट निकल रही है। ये वायर आपको दिख रही है रेड वाली जो आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें आप, ये रेड वायर जो है यहाँ से पॉजिटिव 12 वोल्ट निकल के ये बैटरी को जाता है, ऑक्सिलरी बैटरी को, और ये ऑक्सिलरी बैटरी को चार्ज करती है ये वाली यूनिट से जो आउटपुट जा रही है। उसके बाद एक ये वाली वायर है जो आपको देख रही, थ्री वायर्स, ये हमारे पीछे जो चार्जिंग यूनिट आपको दिखाया गया था, ये चार्जिंग यूनिट, ये नीचे जो वायर्स आपको दिख रही हैं, आप ध्यान से देखें, ये जो वायर्स हैं ये गाड़ी के नीचे से होते हुए आती हैं, और आप देखें ये वायर्स यहाँ पे कनेक्ट होती हैं, मतलब ये एक्चुअल में आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं इसको, एसी इनपुट आपको क्लियरली दिख रहा होगा, एसी इनपुट मतलब हम जब घर पे चार्ज करते हैं अपने एसी 220 वोल्ट्स जो आती हैं चार्जर से, वो यहाँ पे जाती हैं। ये चार्जर उसको डीसी डीसी में कन्वर्ट करता है, डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करके वो बैटरीज को चार्ज करता है। उसके बाद ये जो दो वायर्स आपको दिख रही हैं, ये एक्चुअल में इसके एयर कंडीशनर यूनिट को जाती हैं। इसमें एयर कंडीशनर यूनिट है जो वो बेल्ट से नहीं चलता, ये आपको मैं बता दूं, बेल्ट से नहीं चलता, जो इसका एसी यूनिट है वो डीसी वोल्टेज से ही चलता है, इसकी डीसी मोटर लगी होती है जिससे ये एसी यूनिट चलता है। तो ये दो वायर्स नीचे एसी को जा रही हैं, और ये दो वायर्स आपको जो दिख रही हैं, आप ध्यान से देखें, ये दो वायर्स सीधे डैशबोर्ड में जा रही हैं यहाँ से, ये देखिए डैशबोर्ड के अंदर चली गई हैं। तो जितने भी कंट्रोल अंदर, लाइटिंग वगैरह होगी, अंदर वाले फैंस होते हैं, वो यहीं से चलते हैं। तो अभी आपने कुछ एक वायरिंग यहाँ इस साइड पे जितनी वायरिंग थी मैंने आपको बता दी है, और आप देखें दूसरी तरफ आप आए जरा, ये दो वायर्स जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ये वायर्स एक्चुअल में इस कंट्रोल यूनिट से डीसी वायर्स जा रही हैं नीचे मोटर यूनिट को, नीचे इसके मोटर यूनिट है, आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ से ये दो वायर्स हैं, ये नीचे वाला, इसके जो नीचे यूनिट होता है मोटर लगी होती है, मोटर को ड्राइव मिलती है इन दो वायर्स से। तो ये डीसी वायर्स मोटर वाली हो गई। अब आपको एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ मैं, ध्यान से देखें जरा, ये टोटल यूनिट जो इलेक्ट्रॉनिक यूनिट होता है, ये सर्किटरी से बना होता है, जो कि हो सकता है गर्मियों में गर्म हो, या इसकी जब वायरिंग ज़्यादा होती है, जब ये चार्ज करता है गाड़ी को, तो इसमें हीट काफ़ी ज़्यादा अंदर जनरेट होती है, तो उसको एक तरह का कूलिंग इफेक्ट देने के लिए, कूलिंग इफेक्ट देने के लिए आप ध्यान से देखें, ये जो वाटर कूलिंग सिस्टम इसके नीचे लगा होता है इस यूनिट के, ये वाटर सिस्टम यहाँ से इसकी आउटपुट जाती है, ये देखिए पानी, और ये पानी इसके अंदर जाता है, मतलब इस यूनिट के नीचे एक तरह का कूलिंग आपको जो दी जाती है वो वाटर से दी जाती है इससे, और इसका अगला पानी है जो ये आगे फिर रेडिएटर में जाता है, रेडिएटर फिर उसको कूल करता है, और फिर वापस पानी इसी में आता है यहाँ से। तो कहने का मतलब ये है कि ये सर्किट भी कूलिंग, इसको जरूरत पड़ती है जो
वो ये वाटर कूलिंग सिस्टम इसमें बनाया गया है इसको, इसकी हीट को कंट्रोल करने के लिए। तो ये देखिए इसकी बैटरी पावर बैटरी बैंक है जो ये लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी है और ये 332 केजी की टोटल बैटरी है। 332.8 वोल्ट इसकी नॉर्मल नॉमिनल वोल्टेज होती है और बैटरी पैक नंबर दिया हुआ है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दी हुई है। और ये आपको दिखा दें, ये पूरे का पूरा ये इतना बड़ा इतना मोटा यहाँ से लेके यहाँ तक इतना मोटा बैटरी बैंक इसके नीचे लगा होता है। यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है और ये नीचे देखें आप इसको, वो एंड तक जा रहा है। यहाँ से लेके ये यहाँ तक है ये बैटरी, ये वायर्स दो आ रही हैं जो बैटरी बैंक में जा रही हैं। ये दो वायर्स हैं नीचे से जो आ रही हैं आप कंट्रोलर यूनिट से, ये देखें यहाँ से आके ये वायर्स यहाँ से जाके ये यहाँ से आते हुए यहाँ आती है और ये चार्जिंग यूनिट है हमारे, जहाँ से हम चार्जर लगाते हैं, जहाँ से पेट्रोल भरा जाता है यहीं से चार्जर लगता है गाड़ी का। तो ये आपको हमने बैटरी बैंक दिखाया पूरा नीचे का नीचे लगा हुआ ये वाला, और ये इसकी वायरिंग है। और आप ये देखें ये बॉश कंपनी का ईसीयू यूनिट है जो कि बिल्कुल ही सर्किटरी के साथ में यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसी से सारा सॉफ्टवेयर जो इतना भी अपडेट होते हैं, अगर आपको कल को गाड़ी में कोई सॉफ्टवेयर अपडेट कराना होता है तो ये इसमें आपका कंप्यूटर सिस्टम लग जाता है और यहीं से ये गाड़ी के सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं। तो फ्रेंड्स, होप आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन गाड़ी के बारे में अच्छी लगी होगी। तो आप अपने कमेंट्स जरूर पास ऑन करें सो दैट मैं ऐसी ही वीडियोज़ और बनाता रहूं, और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।